और मंजूर मीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। मंजूर, जम्मू कश्मीर की आवाम से ये बातचीत हमने सुनी, विकास की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं स्कीम्स की बात कर रहे हैं और ये सारी बातें बेखौफ हो रही हैं। तो वो जो बदलाव विकास है वो तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे 12 बजे के करीब, कितने उत्सुक हैं लोग? मंजूर, मंजूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12:15 बजे के करीब स्टेडियम में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बख्शी स्टेडियम के बाहर लोगों ने से जो आपने बातचीत की वो बदलाव की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, वो सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं और ये सारी बातें बेखौफ हो रही हैं। लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन मंजूर के पीछे आप लोगों की भीड़ आप देख रहे होंगे कि आखिरकार किस कदर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से लगातार वहां पर विकास हुआ है, और वही वजह है कि आज ये सामने इतने बड़े जलसे में लोग पहुंच रहे हैं। जिस नए कश्मीर का ख्वाब हमने कई सालों से देखने की कोशिश करी थी, वो वाकई में श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। जितनी भी गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिसीज लाई, वो गरीब तबका नरेंद्र मोदी जी की एक झलक देखने के लिए तरस रहा है। कश्मीर पिछले 70 सालों से, जो बताऊंगा मैं, कैद में था, लेकिन जब से हमारा एलजी का यहाँ पे दौर आ गया, जब से हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सी, तब से मैं नहीं देखता कि कोई मतलब ऐसा कोई मिलेगा कि जो बोल। मंजूर एक बार फिर से हमारे साथ बने हैं। मंजूर, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए कितने उत्सुक वहां के लोग? बिल्कुल, इसमें कोई दोराए नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, कश्मीर में विकास हो रहा है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्टिकल 370 तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोग बड़ी तादाद में बख्शी स्टेडियम पहुँच रहे हैं। 2 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से हर एक क्षेत्र में कश्मीर घाटी में विकास हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, यहाँ तक कि वहाँ पर जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ा है और लाखों करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हैं, उसने कहीं ना कहीं कश्मीरियों को इस बात को लेकर एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि जब शांति रहेगी, अमन रहेगा, तो उनके लिए बहुत बेहतर जिंदगी बनेगी। तो यहीं पर आप देख रहे थे कि यहां तक कि जो लोग व्हीलचेयर पे हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और सिक्योरिटी काफी टाइट है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा साथ ही इंडियन आर्मी, इसके साथ ही एनएसजी कमांडोस और मरीन कमांडोस, एक बहुत बड़ा यहां पर घेरा है प्रधानमंत्री मोदी के यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन जिस तरह से लोग बेखौफ होकर इस जलसे में आ रहे हैं और यहां पर अपने पॉलिटिकल जो उनकी रुचि है उसको भी जाहिर कर, आप देखिए महिलाएं और बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आ रहे हैं, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जी, हम मोदी जी को सपोर्ट करने आए हैं, फ़ायदा बहुत पहुंचा है इनसे हमें, इतना किसी ने नहीं किया है जितना इस मोदी जी ने किया है हमारे लिए, बहुत कुछ किया है इन्होंने। जी, हम मोदी जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं जी, और मोदी को सपोर्ट करने के लिए ये लोग जा रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है। देखिए किस तरह ढोल नगाड़ों की थाप पर आगे बढ़ते हुए ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज बख्शी ग्राउंड में होने वाली रैली में, बख्शी स्टेडियम में होने वाली रैली में हिस्सा बनेंगे, और उत्साह इनका देखते ही बन रहा है। मंजूर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मंजूर, लोग विकास, बदलाव और योजनाओं की बात कर रहे हैं और वो भी बेखौफ।
बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में, जो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की उनकी पहली रैली हो रही है, उसमें करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, और उसकी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है। आज सुबह 6 बजे से ही लोग जो है लंबी लंबी कतारों में स्टेडियम के बाहर पहुँच रहे हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएंगे, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट्स हुए हैं और G20 की बैठक हुई है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये उम्मीद जाग उठी है कि कश्मीर की तस्वीर जो है वाकई बदल रही है। जो आए दिन हड़तालें होती थी, विरोध प्रदर्शन, हिंसा और मिलिटेंसी के ग्राफ में जो कमी हुई है, उससे भी लोगों को जो है थोड़ी बहुत राहत जो है वो ज़रूर मिली है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में जो है लोग दरजोग पहुँच रहे हैं, खासकर युवा उनका स्वागत करने के लिए आए हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा इसी तरह ख्याल रखेंगे और हमारे लिए बेहतर करेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। मेरा नाम है निसार अहमद, मैं हजरत बल कॉनेशन से आया हूँ जी। मैं हजरत बल कॉनेशन का जर्नल से कर रही हूँ। ये खुशी की बात है कि दूसरा विजिट इस वक्त हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। अगर बात करें तो इतने आज तक जो स्कीमें लॉन्च हुई है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये किन की देन की वजह से, ये खाली श्री नरेंद्र मोदी की वजह से। अगर बात करें जी हमारे लाडली बेटी स्कीम, IAY केस, फ्री राशन, और इसके बाद PMGB जो का लोन जो मिल रहा है लोगों को, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इससे भी बहुत सारी स्कीमें अभी लॉन्च हो रही है, उज्वला स्कीम है, और जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो खुशी दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर रैली को भाजपा में कितना उत्साह और जोश है, उसकी तस्वीर जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जड़ीबल श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो तस्वीर है, जो हाथों में तिरंगा लेकर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जो है स्टेडियम पहुँच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद अयूब खान, हम जड़ीबल से, और ये जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ये आम गरीबों की पार्टी है, और जब से इस पार्टी है मोदी जी आए हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में, तब से हमारे हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की की है, और जो कश्मीर है ये हमारा बन गया स्मार्ट सिटी। अब देखो मोदी जी ने यूपी के अंदर हर घर में गैस चूल्हे दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं, और देखिए यहाँ तक के चावल तक का फ्री दिया है। आज तक की जितनी भी सरकार आई है आज तक किसी ने कोई भी फैसिलिटी नहीं दी आवाम के लिए। इस टाइम हम बहुत खुश हैं, आई एम सो हैप्पी कि हमारे मोदी जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया। बस हम आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली कश्मीर रैली है, तो कितनी उम्मीदें इस रैली से है कि कश्मीर के लिए क्या खास तोहफा लेकर वो आएंगे? अजी कश्मीर के सारे तोहफे हैं, ये बताइए क्या तोहफा नहीं दिया उन्होंने? आधार कार्ड, मतलब ये गोल्डन कार्ड बनाया, मिश्रण कार्ड बनाया, और ये कितने लोगों को लोन दे रहे हैं इस टाइम, वो हर वर्कर के लिए हर चीज़ का बेनिफिट है यहाँ पर। 370 के बाद जो है कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, बहुत बदल गई है जी। आप खुद देखो ना कितना टूरिस्ट आ रही है इस टाइम, पहले कोई टूरिस्ट ही नहीं था, अब देखिए कि विंटर में क्या समर में क्या फुल टूरिस्ट भरे पड़े हैं, होटलों में जगह नहीं है यहाँ तक के, और यहाँ तक के हर घर के लोगों ने जो डल गेट के आसपास घर हैं लोगों ने अपने घर तक के कमरे दिए हैं किराए पे, क्यों कि टूरिस्ट इतना है। अब बताइए आपका नाम क्या है बेटा? जीशान अब्बास खान मेरा नाम। आप बताइए क्या उम्मीद लेकर आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मोदी को सुनने के लिए आए हैं, क्या उम्मीद है एज अ यूथ? अगर हम बात करें, अगर यूथ का फ्यूचर कोई सुधार सकते हैं वो कोई नहीं, वो खाली एक इंसान है, मोदी जी। सबसे पहले ही तो मैं कहना चाहूँगा जी, मोदी जी ने इतनी मदद करी है कश्मीर के लोगों की, इतनी स्कीमें निकाली है, गोल्डन कार्ड दिया है, स्मार्ट सिटी बनाई है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करी है, तो क्या वो युवाओं की मदद नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे मोदी जी, हमें उन पर पूरी उम्मीद है। आपको कितना कश्मीर बदलता हुआ दिख रहा है 370 हटाने के बाद? पहले आपने क्या सुना था और अब आपको क्या सुनने को मिल रहा है? जी पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क आ चुकी है, क्योंकि